दोस्तों वेलकम इन वेटनरी हिंदी। इस वीडियो के अंदर हम आज डॉग ब्रीड्स की दुनिया की सबसे बड़ी साइज का डॉग लेकर आए हैं और ये डॉग ब्रीड है ग्रेट डेन। यूं तो इसका ग्रेट डेन नाम डेनमार्क के कारण पड़ा, लेकिन हकीकत में इसके जन्म और विकास में डेनमार्क का कोई मतलब नहीं होता। इस ब्रीड का जन्म और विकास भी डॉग्स की ज़्यादातर ब्रीड्स की तरह जर्मनी में ही 19वीं शताब्दी में हुआ। जर्मनी में इसे जर्मन मैस्टिफ के नाम से जाना जाता था। वहाँ 17वीं सदी में इसे जंगली सुअर और हिरण के शिकार के लिए काम में लिया जाता था। तो दोस्तों सन 1876 में इसे जर्मनी के नेशनल डॉग के रूप में चुना गया। आज वर्ल्ड के अमीर परिवारों में ग्रेट डेन को रखना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। भारत में तो आज भी बड़े बड़े शहरों में गिने चुने लोगों के पास ही ग्रेट डेन नजर आता है। तो दोस्तों अद्भुत ऊंचाई, गठीला भारी डिलडोल, शेर के माफिक चाल, मजबूत पैर, चौकन्ने कान, लटके हुए होठों वाले मुंह के कारण ग्रेट डेन डॉग काफी खूंखार लगता है। विचित्र बात यह है कि यह जितना डरावना लगता है उतना होता नहीं है। परिवार में बड़े तो क्या बच्चों के साथ भी व्यवहार में उतना ही जेंटल और सरल और सीधा होता है। हालांकि इसे अपनी जबरदस्त ताकत का पूरा एहसास होता है। अपने मालिक के ऑर्डर का पालन यह पूरी वफादारी के साथ करता है। बड़ा डिलडॉल होने के बावजूद इससे बच्चे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसे समय पर पर्याप्त यदि ट्रेनिंग दे दिए जाए तो यह बहुत ही शानदार डॉग तैयार हो जाता है। बॉक्सर, डॉबरमैन और अल्सेशियन की तरह यह चुस्त और फुर्तीला नहीं होता। कुछ लोग इसे गलत ट्रेनिंग देकर जानबूझकर लड़ाकू और खूंखार बनाने की गलत तरीके से कोशिश करते हैं, जो कभी खुद मालिक के लिए ही नुकसानदायी हो सकता है। तो दोस्तों ग्रेट डेन के शरीर का रंग हल्का पीला, भूरा, काला या सफ़ेद रंग और उस पर बड़े काले धब्बे वाला शरीर पाया जाता है। कुछ लोग इस शानदार डॉग को स्टेटस सिंबल के रूप में बंगले में बांध लेते हैं, लेकिन इसके लिए समय पर ट्रेनिंग, रोज एक्सरसाइज, खूब मात्रा में पौष्टिक आहार और वैक्सीनेशन इसके लिए बहुत जरूरी होता है। बिना ट्रेनिंग के यह वफादार और सरल स्वभाव का डॉग मालिक के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खास तौर पर जब यह पप होता है उस समय भरपूर एक्सरसाइज इसके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ग्रेट डेन को रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे पहले तो इसकी कीमत काफ़ी होती है और दूसरा हर रोज इसके रखरखाव, इसकी खुराक, इसकी ट्रेनिंग आदि पर खर्चा भी काफ़ी होता है। एक एडल्ट ग्रेट डेन डॉग का औसत वजन दोस्तों 55 किलोग्राम से तक पाया जाता है और इसकी हाइट 75 सेंटीमीटर होती है। खाना खाने के बाद इसके स्टोमक में ऐंठन पड़ने के कारण शिकायत अधिक पाई जाती है, इसलिए खाने के बाद इसे एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। अधिक आकर्षक बनाने की चाहत में कुछ लोग इसके कान किनारों से भी काट लेते हैं, जिससे क्रॉपिंग के बाद इसके कान सीधे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी साइज की ब्रीड है ग्रेट डेन और यह इतना ही वफादार और सरल स्वभाव का पाया जाता है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।